हेलो फ्रेंड्स, आप लोग सब कैसे हो? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मकर संक्रांति है, तो आप लोगों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज मकर संक्रांति है, उस अवसर पर मैं सोची कि डेली तो साल स्वेटर या कुर्ती में दिखती ही हूँ आप लोगों को, तो मैं सोची कि आज मकर संक्रांति पर मैं साड़ी पहनती हूँ। तो देखिए, मैं साड़ी आज साड़ी पहनी हूँ। तो आज आपको साड़ी में मेरा लुक कैसा दिख रहा है? मैं थोड़ी सा मेकअप आज की हूँ, डेली तो मैं नॉर्मल ही आती हूँ, तो आज मैं थोड़ा सा अपना लुक चेंज करके आई हूँ। तो आप लोग बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। और आज मैं मकर संक्रांति के अवसर पर हमारे बिहार और झारखंड में क्या खाते हैं तो आप लोग कैसे देख ही लिए थे, लेकिन आज फिर से मैं बताती हूँ कि हमारे झारखंड और बिहार में क्या क्या खाते हैं। तो देखिए, हाँ, तो संक्रांत के दिन हम लोग दही चूड़ा, तिलकुट, तिल की तिलकुट, मुढ़ी की लाई, जिसे मुढ़ी की लड्डू भी बोलते हैं, और गोभी आलू मटर की सब्जी खाते हैं। ये सब घरों में करीब करीब यही खाया जाता है। सब्जी तो कुछ भी बना सकते हैं। तो ये हम देखिए, मैं दही जमाई हूँ और ये मैं मिष्टी दही जमाई हूँ। इसे जमने में काफ़ी दिक्कत हुई मुझे, लेकिन जम गई। और मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो यहाँ मकर संक्रांति के दिन चूरमा और दाल खाए जाते। तो देखिए, रोटी बनाकर और इस खलबट्टे में कूटा जाता है, बारी बारी से अलग अलग लोग कूटते हैं इसे, और फिर इसमें घी और गुड़, मीठा के लिए गुड़ या चीन भूरा डालकर इसको मिलाते हैं कूटने के बाद। तो ये भूरा बनकर तैयार हो गया, और इसके साथ चूरमा के साथ दाल खाया जाता है, दाल चूरमा खाया जाए। ये लोग गोंद के लड्डू भी बना रहे थे, दोनों ठंड में ही बैठकर और छत के ऊपर चूल्हे में सारे कुछ बनाए। तो ये देखिए, एक बगल की आंटी भी साथ में आ गई थी भाभी के साथ, और दोनों मिलकर लड्डू बना रहे थे गोंद के। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक था। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा, और कल मिलती हूँ आप लोगों को एक नए ब्लॉग के साथ।